नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सभी से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का भी आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि आजादी के इस पर्व को सभी बहुत उत्साह से मनाएं और हर जगह पूरे देश भर में बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा निकले। साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान में भी योगदान करने का निवेदन किया। कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार ने यह तय किया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि आजादी के इस पर्व को हम बहुत उत्साह के साथ मनाएं और हर जगह पूरे देश भर में बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा निकले। और मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर में हर जगह तिरंगा यात्राएं आजकल निकल करके भारत मां की जय का नारा लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए भी आग्रह किया है कि हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसके लिए भी बहुत उत्साह के साथ पूरे देश भर में लोग अपने घर में तिरंगा लगा रहे हैं। मैं एक बार फिर से सभी से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि तिरंगा यात्रा में भी बढ़ चढ़ करके भाग लें और उसके साथ साथ में हर घर तिरंगा ये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, इसमें भी सहभागी बने। हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, इसके लिए मैं विशेष तौर से आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। एक बार फिर से देश की, भारत की स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।